जनक जैन मेरा, मैं निशान जैन मेरे का फादर हूँ। निशान ने जब भी यहाँ पे एडमिशन लिया वैसे अपना मैक ब्रांच में, तो उससे पहले मैं खुद एडमिशन लेने आया था यहाँ पे, लेकिन मेरे से हो नहीं पाया था। फिर कहीं ना कहीं निशान अकेला आया था, फिर वानी मैम ने मुझे बुलाया था। तो ये ब्रांच में के लिए वानी मैम ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, तो यानी उसके लिए तो अप्रिशिएट हूँ कि यहाँ पे जो फैकल्टी है, यानी निखिल सर है, काफ़ी सारे जो वानी मैम है, जो भी सिखाते हैं, यानी वो ऐसे सिखाते हैं कि खुद अपने ही बच्चे हैं। यानी जैसे अपने बच्चे को हम लोग कैसा सिखाते हैं कि भाई आगे जाके उसको कोई भी तकलीफ ना हो, तो उस तरीके की वो सारा चीज़ यहाँ पे सिखाते, तो उसके लिए मुझे कुछ भी टेंशन नहीं है। तो निशान जब भी यहाँ पे आया था और आज इतने साल में देख रहा हूँ तो काफ़ी ग्रोथ हुआ है, तो आगे जाके भी मुझे कुछ भी टेंशन है नहीं। यहाँ पे ये जैसे अपने कुछ एक रफ डायमंड्स रहते हैं, तो जब भी वो माइंड से निकलते तो उसमें कुछ रहता नहीं है, जब भी पॉलिश करते तभी उसकी चमक आती है, तभी उसका कीमत आता है। तो उस तरह के मैक में जब निशांत आया तो एक रफ डायमंड ही था, लेकिन आज देख रहा हूँ कि यहाँ के वाणी में निखिल सर, बाकी जितने भी फैकल्टी है, काफ़ी ज़्यादा एक पॉलिश अच्छा खासा डायमंड बना दिया है। तो मुझे कुछ टेंशन नहीं है कि आगे जाके क्या होगा, तो यहाँ से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है ये मैक से, अपना ये ब्रांच से। और वाणी मैम काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी अच्छी तरीके से सब समझाते हैं, तो उसमें कुछ भी डाउट नहीं रहता है। यानी हम लोग जब भी मिलते हैं तो कुछ डाउट नहीं रहता कि कैसा करेंगे क्या है, नहीं जो भी क्वायरी है सारी सॉल्व हो जाती है। और निखिल सर जो भी सिखाते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से सिखाते हैं, एक एज ए फ्रेंड स्टूडेंट के साथ ट्रीट करते हैं, तो एज ए काफ़ी सारा चीज़ काफ़ी सारा सिखाने में नहीं भी समझ में आता है तो बार बार समझाते हैं, तो जब तक समझते नहीं तब तक वो समझाते रहते हैं। तो मैं काफ़ी खुश हूँ ये ब्रांच के लिए। थैंक्स।